नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें बोला था कि यदि आपको कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज उस डाउट्स के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपका डाउट भी होगा। 146 इसमें कमेंट्स आए हैं, तो जो जो कमेंट्स आपके जवाब देने के लिए होंगे उनका सभी का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है आपका कमेंट लास्ट में आए, तो वीडियो को पूरा देखेगा। पहला क्वेश्चन है सुनील सिंह जी का, ये पूछते हैं कि सर पेपर इंग्लिश में होगा? बिल्कुल इंग्लिश में होगा। इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट सेंटर पर इंग्लिश में होता है, कई बार आधे क्वेश्चन हिंदी में दे दिए जाते हैं, आधे इंग्लिश में, तो आप समझ लीजिएगा कि पेपर आपका इंग्लिश में होता है। दूसरा क्वेश्चन अजय ठाकुर जी का, ये बोलते हैं चेस्ट कम है तो चलेगी? देखिए भाई, चेस्ट आपकी ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, 77 से 82 के बीच में आपकी मांगी गई है, तो इतनी इससे थोड़ी बहुत कम है तो वो चल जाएगी। यदि आपकी 70 है तो वो नहीं चलेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या नाम है? अजय ठाकुर जी। सेकंड क्वेश्चन उसके बाद दीपक जी बोलते हैं प्रीवियस ईयर का पीडीएफ मिलेगा? देखिए, प्रीवियस ईयर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अभी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। करेक्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नाम है इसका? बीकू भगत सिंह जी। गौरव बोलते हैं सर क्वेश्चन पेपर मिलेगा प्रीवियस ईयर? बिल्कुल आपको अभी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पेपर वाले दिन ही क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं? तो बिल्कुल पेपर वाले दिन ही लेकर जाने हैं। अगले क्वेश्चन लिखते हैं सौबित त्रिपति, क्या नाम है इनका? त्रिपति जी, ये बोलते हैं सर स्कैम होता है क्या कोई लड़का? देखिए, वी कैन नोट अबाउट एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं ओडिशा से हूँ 75, तो परसेंटेज के लिए मैंने बता दिया था कि परसेंटेज का कोई भी ठीक है आइडिया है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा, बिकॉज अलग अलग सेंटर पर या अलग अलग होता है, तो उसके लिए अलग अलग सेंटर की वो बता नहीं सकता, इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। सर मेरा 12th की परसेंटेज गलत हो गई, तो देखिए नितेश जी, यदि 12th की परसेंटेज गलत हो गई, अब कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सही करवा लीजिएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सब लेकर जाना? देखिए, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट्स बाई मनोज प्रजापत। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वीडियो मिल जाएगी, और उस वीडियो के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख सकते हैं। सर करंट अफेयर्स लास्ट कितने मंथ का आता है? तो करंट अफेयर्स कोस्ट गार्ड के अंदर नहीं आता है, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर क्वेश्चन पेपर मिलता है, जमा कर लेते हैं? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जमा कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर वो खुद रख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाते हैं। सर साइन फोटो उल्टा हो गया, तो देखिए इसके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, एडमिट कार्ड आने दीजिए तब बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद EWS और इनकम से कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? तो भाई, उसमें ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है, EWS के लिए कोई भी अलग से रूल नहीं बनाया। सर इंग्लिश में एग्ज़ाम आया या हिंदी में होगा? नोएडा सेंटर पर, नोएडा सेंटर पर आपका एग्ज़ाम इंग्लिश में आता है, वरुण ठाकुर जी। अगला क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड, नेक्स्ट वैकेंसी कब आ रही GD की? तो GD की वैकेंसी के लिए वीडियो बना देंगे, वैसे आपकी वैकेंसी जुलाई के आसपास आ जाएगी। लैंग्वेज ऑफ डोमेस्टिक ब्रांच पेपर नोएडा सेंटर, बिकॉज आई कन्फ्यूज, तो बता दें आपको इंग्लिश में तैयारी कीजिएगा। बिना जे सेलेक्शन होते हैं क्या? तो मैंने आपको बोला कि भाई देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का, और जब तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। सर प्लीज़ बताओ कोस्ट गार्ड का पेपर दो इंग्लिश में आता है भाई? सर मेरे हाथ पर टैटू नहीं है, कोई ऑपरेशन या सर्जरी का निशान नहीं है, पर सिर्फ बचपन में हाथ थोड़ा टेढ़ा है। देखिए, ये मैं चीज़ आपको बता दूँ, यदि आपके हाथ में हैंड बैंड है तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, यदि आपका हाथ मुड़ा हुआ बेसिकली अलग से दिखता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सर डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल साथ लेकर जाना है सुनील कुमार जी। सर दिल्ली की कट ऑफ कितनी जाएगी? तो कट ऑफ के बारे में, सर कोस्ट गार्ड GD के फॉर्म जुलाई के आसपास। सर क्या सभी का एडमिट कार्ड आएगा? क्या बिल्कुल नहीं आएगा सिद्धू जी, शॉर्ट लिस्टेड होंगे स्टूडेंट्स। फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द ही आएगी आपकी। हम कैसे पास होंगे सर कोस्ट गार्ड नाविक में? कैसे पास होंगे भाई? पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं आपके लिए वीडियोस डेली बना रहा हूँ, डेली मैथ्स आप वीडियो देखिए, रीजनिंग की वीडियो भी आपको मिल रही है। सर इसका पेपर किस टाइप का आता है? 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है सर, 10th CBSE बोर्ड से 80%। चलिए सर, जाति अवश्य कितने दिन का होना चाहिए, ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से? देखिए, जाति है वो आपका सेंटर का जाति होना चाहिए, और 3 साल से वो पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने? तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप सर्च कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स बाय मनोज प्रजापत, कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट्स बाय मनोज प्रजापत, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो वही रिपीटेड सवाल है कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम को लेकर, एडमिट कार्ड आपके 20 तारीख को आएंगे,
डोमेस्टिक ब्रांच का प्रमोशन जबरदस्त होता है भाई धर्मेंद्र सिंह, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो समझ नहीं आया यार, उसमें समझने वाली क्या बात है, ओरिजिनल वीडियो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। उसके बाद बोलते हैं भैया सर इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड का बस आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, 5 मॉडल पेपर आपने सॉल्व, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एडमिट कार्ड कल आ जाएंगे, एडमिट कार्ड से रिलीज जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर जवाब नहीं दे रहा हूँ। सर एग्ज़ाम देने से डॉक्यूमेंट ले जाना बिल्कुल वहीं उसी टाइम आपको ले जाना होगा। सर कोस्ट गार्ड DB ज्वाइन करने के बाद अंदर ऑफिसर के लिए ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, क्या नाम है आपका गणेश, आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोलकाता सेंटर पे बैग लेके देखिए, बैग वगैरह के बारे में मैं नहीं बता सकता, ठीक है, वैसे बैग वो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, वो लोग जमा करवा ले। सर मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, क्या मैं दे पाऊँगा? बिल्कुल नहीं दे पाओगे जफर अली। इंडियन कोस्ट गार्ड आंसर PDF 2019 इम्पोर्टेंट मैथ्स और रीजनिंग, बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कुछ ही टाइम बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन हैं वो पेपर इंग्लिश में होगा भाई। आगे सर मेरा फादर नेम गलत हो गया, कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम सही करा लेना। सर क्या इसी महीने में एडमिट कार्ड? बिल्कुल 20 तारीख को रिलीज़ होने वाले। सर कोस्ट गार्ड DB का एडमिट कार्ड कट ऑफ ऑफ बिहार, ओके, बिल्कुल इंग्लिश में। एग्ज़ाम के समय कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो वीडियो सर्च कर लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रॉब्लम बिल्कुल होगी, एग्ज़ाम ही नहीं देने जाएगा। फॉर्म भरने में कुछ गलत हो गया तो भाई देखिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। 160 सेंटीमीटर चल जाएगी हाइट भाई आपकी, मेरे पास डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल बनवा लीजिए दी। सर रिटर्न कीप दिन क्या डॉक्यूमेंट्स लेना? बिल्कुल लेकर जाना है अमित कुमार। कट ऑफ का एग्ज़ाम लैंग्वेज वीडियो बनाओ, सभी वीडियोज़ बना रखे हैं कोस्ट गार्ड की अपने चैनल पर, सभी तरह के वीडियोज़ हैं। सर मेरा नौकनी प्रॉब्लम है तो ये मेडिकल की बात है, पहले एग्ज़ाम दीजिए भाई, नौकनी का प्रॉब्लम है तो नौकनी के लिए तो आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने वक्त डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लेकर जाने हैं। कोस्ट गार्ड GD का मेरिट लिस्ट के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, मैंने बात भी करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि कब तक आपकी आएगी। लो वालों के लिए एग्ज़ाम कैसा होगा भाई? लो वालों के लिए तो वो 10th बेसिस पर होता है, इसमें लो का वो असिस्टेंट कमांडेंट का है, उसके बारे में अलग से बताएंगे आपको भाई। मुंबई सेंटर से कुछ मुंबई वाले इन्फॉर्मेशन बताइए। अच्छा जी, मुंबई के लिए क्या इन्फॉर्मेशन? सर जी लास्ट ईयर के बिल्कुल प्रोवाइड करा रहे हैं हम आपको, नाविक GD मेरिट लिस्ट मैंने अभी बताया था, मैंने ट्राई किया था उनसे पूछने के लिए, इस चीज़ को कॉल भी किया था, किसी ऑफिसर से बात की लेकिन उन्होंने मेरे को क्लियर नहीं बताया, उन्होंने कहा कि साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सर हमको तैयारी कैसे करनी है? तो वीडियोस चल रही हैं, सारा सिलेबस और रिटर्न विद फिजिकल फुल डिटेल, वीडियो सर्च कर लीजिएगा। कोस्ट गार्ड सिलेबस बाय मनोज प्रजापत, कोस्ट गार्ड फिजिकल बाय मनोज प्रजापत, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। हरियाणा से 62% पर तो भाई नहीं आएगा, इसके लिए तो मैं बता सकता हूँ। सर फिजिकल में ये चीज़ें नहीं होती। सर डोमिसाइल कितना पुराना? डोमिसाइल तो भाई कितना पुराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस्ट गार्ड कोस्टेडियन सर्टिफिकेट इज अलाउड फॉर वेरिफिकेशन? नहीं भाई, महाराष्ट्र की एग्ज़ाम देने के लिए कट ऑफ के बारे में तो अभी बताएंगे। सर क्या रिटर्न और फिजिकल बिल्कुल एक ही दिन होता रामजीत? क्या पहले डॉक्यूमेंट दिखाना? बिल्कुल मेरे नकुल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल क्या क्या ले जाना है वीडियो सर्च कर लीजिएगा। इसका एग्ज़ाम लैंग्वेज इंग्लिश होता है भाई, EWS के बारे में कोई अलग से नहीं है। क्या ये सरकारी जॉब है? बिल्कुल सरकारी जॉब है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम पर कुछ टाइम बाद। कौन सा बुक? बुक के लिए बना रखे कोस्ट गार्ड बुक बाय मनोज प्रजापत, सर्च ऑन द यूट्यूब। प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल। एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है? बिल्कुल ऑफलाइन होता है। सर ऑनलाइन क्लास कराइए, क्लासेस चल रही हैं। पेपर क्वेश्चन इंग्लिश में होगा बिल्कुल। तो ये सभी कमेंट्स हैं जो मेरे पास पिक हो गई हैं, तो आई होप कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आपके डाउट हैं जो भी आपने पूछे सभी का मैंने जवाब दिया, एक्सेप्ट जो लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने पहले भी इसके लिए बताया था कि देट इज़ नो फिक्स इन द कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन, तो हो सकता है आपकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाए, हो सकता है कट ऑफ थोड़ी घट जाए, तो इसके लिए कल ही आपको जैसे एडमिट कार्ड आएंगे तो उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो अब भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, सभी का मैंने रिप्लाई किया है। 146 कमेंट सभी पढ़े हैं आपके सामने,
किसी लोग ने जो कोई वैसी कमेंट कर रखी थी उसमें थोड़ी हो सकता है प्रॉब्लम हो गई हो, बाकी सभी कमेंट्स पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।